सबसे पहले सब भाई बंधुओं को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज हम बात करेंगे पेटीएम के फाउंडर जो कि एक गरीब घर से थे, चलो आज उनके सक्सेस की कहानी बताते हैं। आइडिया और वक्त की पहचान किस तरह किसी व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। पेटीएम के प्रमुख विजय शेखर शर्मा आज इसके सबसे बड़े। आइए जानें उस विजय शेखर शर्मा के बारे में जिन्होंने अपनी कामयाबी की इबारत जोश और जुनून से लिख दी है। विजय शेखर शर्मा जीवन में एक ऐसा दौर आया भी था जब उनके पास खाने के पैसे तक नहीं थे। पेट और खाने के लिए वह बहाना बनाकर दोस्तों के पास पहुंच जाते थे और खाना खाते थे। इन सब दिक्कतों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनकी हिम्मत हम सभी देख सकते हैं। विजय शेखर के निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शिक्षा सरकारी हिंदी माध्यम के स्कूल में हुई। दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में अंग्रेजी नहीं बोल पाने की वजह से उन्हें कई बार बड़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डिक्शनरी से हिंदी का को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पढ़ते थे। कुछ ही दिनों में फर्राटे अंग्रेजी बोलना भी सीख गए। विजय शेखर शर्मा ने साल 2001 में 2 लाख रुपये लगाकर 197 नाम की कंपनी शुरुआत की जो मोबाइल से सबसे जुड़ी वैल्यू एडेड सर्विस देती थी। कॉमर्स में ज़्यादा अनुभव ना होने के कारण कंपनी की हालत एक साल में ही ख़राब होने लगी। खाने पीने के लिए भी उनके पास पैसे तक नहीं बचे। 2 वक्त सिर्फ चाय पीकर ही गुजारा करते थे। पैसे बचाने के लिए वे बस के बजाय पैदल चलते थे। घर घर जाकर कंप्यूटर के छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विजय की भी कोशिशें रंग लाने लगी और उनकी कंपनी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी और मुनाफा कमाने लगी। किराने का सामान ऑटो वाले को पैसे देते वक्त छुट्टी की दिक्कत को उनको पेटीएम जैसी कंपनी बनाने के लिए प्रेरित किया। पेटीएम को 2011 में लॉन्च किया गया था। बिजनेस बढ़ने पर पेटीएम में ऑनलाइन वॉलेट, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर और शॉपिंग फीचर भी जोड़ दिए गए। विजय शेखर शर्मा ने खुद को साबित करने के साथ साथ ही उन तमाम लोगों को सीख दे दी, कोई भी काम करने के लिए मेहनत और हौसले की ज़रूरत होती है। धन्यवाद।